हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुजीत आप सभी का अपने चैनल पढ़ाई हेल्पर पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th टर्म 2 एग्जाम मैथ की क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि हम इस चैनल पर क्लास 10th का मैथ और साइंस का फुल सिलेबस जो टर्म 2 एग्जाम में पूछा जा रहा है उसको कवर कराने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए ना देर करते हुए हम आज के चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आपके सामने आज हम बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझने से पहले हम समझते हैं पॉलिनोमियल्स, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, कहीं ना कहीं पॉलिनोमियल से बिल्कुल लिया गया है। पॉलिनोमियल्स ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखते हैं कैसे। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको बताया गया होगा जब पॉलिनोमियल चैप्टर आपने पढ़ा होगा कि ए एन एक्स के पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स के पावर एन माइनस वन प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट, यानी इस फॉर्म में क्या होता है आपका पॉलिनोमियल्स होता है। इसका मतलब क्या होता है कि कोई एक कोफिशियंट, जैसे ये वहां पे ये वेरिएबल है और वेरिएबल की कुछ पावर है, यहाँ पे भी ये वेरिएबल है, वेरिएबल की कुछ पावर है, यहाँ पे ये क्या है, कोई कांस्टेंट अंक है, ये क्या है, कांस्टेंट अंक है। ठीक, यहाँ पे आपको एक कंडीशन दी होती है पॉलिनोमियल्स के लिए, ठीक, कि जो वेरिएबल का पावर ऑलवेज क्या होना चाहिए, वेरिएबल पावर क्या होना चाहिए, पावर ऑलवेज एक क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। यानी जो ये वेरिएबल एक्स है ना, इसकी जो पावर ऑलवेज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ये कोफिशियंट कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, निगेटिव, ठीक, और रूट में भी हो सकता है, लेकिन ये जो ये आपका इसका पावर होना चाहिए वेरिएबल का, इंटीजर होना चाहिए। आप इंटीजर जानते हैं कि जीरो, वन, टू, थ्री, ये पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक ना, तो ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अगर किसी पॉलिनोमियल्स का अगर पावर, ठीक, अगर किसी कोई एक ऐसा दिया है, जैसे देखो, जैसे मान लो यहाँ तो टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस का सिक्स ऐसा दिया है, एक्स स्क्वायर का पावर पॉजिटिव है, यहाँ पे भी एक्स का पावर पॉजिटिव है, यहाँ पे एक्स के पावर क्या है, जीरो है। आप देख रहे हैं सबका पावर क्या आ रहा है, पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है, ठीक, तो ये आपका पॉलिनोमियल्स है। अगर हम बात करते हैं टू एक्स के पावर माइनस वन प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स, ठीक, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे एक्स का पावर क्या आ गया, निगेटिव आ गया, ठीक, ये क्या है, पॉलिनोमियल्स नहीं है। हमने पहले ही पढ़ा कि जो पॉलिनोमियल्स होता है उसके वेरिएबल का पावर क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अगर निगेटिव इंटीजर आता है तो वो पॉलिनोमियल्स नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम देखते हैं पॉलिनोमियल्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिफरेंस क्या होता है, देखो फ्रेंड्स, जब हम एक पॉलिनोमियल्स को, ठीक ना, आप देखे होंगे पॉलिनोमियल्स, एक पॉलिनोमियल्स में आप डिग्री के आधार पर पॉलिनोमियल्स पढ़े होंगे, लिनियर पॉलिनोमियल पढ़े हैं, लिनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़े हैं, बायो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक, ये पढ़े हैं आप। फ्रेंड्स, बताइए यहाँ पे हम पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को जो जनरल फॉर्म लिखवाई जाती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा लिखवाया जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं एक्स का पावर पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे भी एक्स का पावर पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे एक्स का पावर जीरो, यानी सारे जगह क्या है, एक्स का पावर पॉजिटिव इंटीजर। तो फाइनली अब हमें ये देखना है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता है और इक्वेशन ये वर्ड है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो फ्रेंड्स देखो, कुछ होता नहीं है, अगर हम पॉलिनोमियल्स को कहीं जीरो से इक्वेट कर देते हैं तो यही पॉलिनोमियल्स हमारा क्या बन जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को जब जीरो से उसकी तुलना करने लगते हैं तो आपका क्या बन जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। और एक ऐसा क्वाड्रेटिक, ठीक, जिसका मैक्सिमम पावर क्या हो, दो हो। मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए, एक ऐसा पॉलिनोमियल्स जिसका मैक्सिमम पावर दो हो और जिसको हम जीरो से तुलना करें तो वो आपका बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। तो अगर फ्रेंड्स देखते हैं जनरल फॉर्म आपके पास ये है, अगर देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस एट, ये आपका क्या है, पॉलिनोमियल्स है। अगर यही बात करता है एक्स के पावर माइनस टू प्लस टू एक्स प्लस एट, क्या ये है पॉलिनोमियल्स, नहीं है। अगर ये पॉलिनोमियल्स नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी अगर इसको जीरो से इक्वेट करके करता है तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं है। जरूरी कंडीशन क्या है, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका मैक्सिमम पावर दो होना चाहिए, ठीक। और ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है ना, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर का ही कोफिशियंट अगर जीरो हो जाएगा फ्रेंड्स, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो, तो क्या हो जाएगा, बी एक्स प्लस सी, तो ये आपका क्या बन जाएगा, लिनियर बन जाएगा ना। इसीलिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट कभी जीरो नहीं होना चाहिए,
ठीक। और पॉलिनोमियल्स के लिए कंडीशन क्या होती है कि वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, फर्स्ट टाइप हम 7 क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं। आपको इसमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आपको हमने बता दिया है कंडीशन क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसका क्या हो मैक्सिमम, ऐसा इक्वेशन जिसका मैक्सिमम पावर 2 हो और प्लस उसका जो वेरिएबल का पावर हो पॉजिटिव इंटीजर हो। अब देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं, पहले ही देख रहे हैं अगर इसका एलसीएम x लेते हैं, चलो ले लिए, तो ये आपका कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक, ऐसा होगा। अगर फिर हम इसको लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, देखिए इसको, ठीक, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको बताइए क्रॉस अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 0। तो आप देख रहे हैं इसको क्या लिख रहे हैं आप, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो वेरिएबल है इसका पावर कितना है, प्लस का 2 है, इसका तो मान लीजिए तो कांस्टेंट है, इसमें तो कोई है नहीं, ये आपका यस है। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते हैं तो देखते हैं आपका कितना आ रहा है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका भी आप एलसीएम ले लीजिए, ये कितना हो जाएगा एक्स के पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कीजिए, तो अगर आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको दिख रहा है क्या होगा एक्स के पावर 4 प्लस 1, ये इधर जाएगा तो 0, तो मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है 4, तो ये आपका नहीं है। ठीक ना, देख रहे हैं मैक्सिमम पावर 4 आ रही है एक्स के पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 0, तो मैक्सिमम पावर 4 गई तो ये आपका नहीं है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन में इन्होंने आपको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x इक्वल टू 0। इसका जो c वाला टर्म है वो 0 हो सकता है। आपको हमने कंडीशन बताई थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहां पे a नॉट इक्वल टू 0 होता है, b और c में भी 0 हो सकते हैं लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, यहाँ पे a 0 नहीं है, मैक्सिमम पावर 2 दिख रही है, वो भी पॉजिटिव है, ये भी क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसके बाद हम देखता है फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में इन्होंने आपको दिया है रूट का, देख सकते हैं रूट का 3x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1 बाई 2 इक्वल टू 0। देखिए जो x स्क्वायर है ना, ये क्या है रूट से बाहर है, यानी इसका पावर क्या है पॉजिटिव है, वो भी क्या है 2 है, यहाँ पे भी इसका पावर पॉजिटिव है, ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन हो कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे भी जो कांस्टेंट है ये फ्रैक्शन में हो रूट में हो कोई मतलब नहीं है, लेकिन पावर ये जो एक्स वेरिएबल है ये अंडर रूट में नहीं होना चाहिए, इसका जो पावर क्या आना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए। तो ये आपका देख रहे हैं आपका ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है देख सकते हैं इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4, ये बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसके बाद देखते हैं हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 6 है, देख सकते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 ब्रैकेट में एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस का 4। इसको जब आप सॉल्व करते हैं इधर आपका मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे बी स्क्वायर प्लस 2 ए इंटू बी, इसको सॉल्व कीजिए 3x प्लस 3 बटे एक्स प्लस का 4, ऐसा होगा। यहां से यहां ये कट जाएगा, आप देख सकते हैं ये 1 अपन एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो इसको जब ऊपर ले जाने तो x के पावर माइनस का 2 हो जाएगा ना, तो आप देख रहे हैं कि इसकी पावर यहीं पे क्या आ रही है निगेटिव आ रही है, या जब आप इसको एलसीएम लेके भी सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर तो कहीं ना कहीं ये क्या करेगा इसकी पावर को एक्स के पावर 4 बना दे रहा है, तो आपका ये क्या आ रहा है यहीं से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो कब पहले आपके पास अगर ऐसा दिया रहेगा तो उसको आप सॉल्व करके देखेंगे, जैसे ये भी था हमने इसको सॉल्व किया था, हमने इसको पाया ये हमारा क्या था क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा था। ठीक, ऐसे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं इसको कैसे करते हैं। ठीक, अगर आपको कोई क्वेश्चन ना समझ में आ रहा हो तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम वहां पे आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। ठीक, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं, इन्होंने ऐसे दिया है एक्स ब्रैकेट में एक्स प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2, दोनों साइड पहले मल्टीप्लाई करके चेक करना होगा, एक्स में एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में 1 से करेंगे तो एक्स प्लस का 8, इधर देखते हैं एक ब्रैकेट में जोड़ा है एक ब्रैकेट में घटाया है, तो आपको पता है
सेम होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का फोर। तो देख सकते हैं एक्स स्क्वायर कैंसिल, अब देख रहे हैं आपके पास क्या आ रहा है एक्स प्लस एट, इधर का माइनस फोर है तो इधर आएगा तो फोर हो जाएगा इक्वल टू जीरो, तो एक्स प्लस बारह इक्वल टू जीरो, यानी एक्स स्क्वायर वाला टर्म का कोफिशियंट क्या हो गया जीरो, यानी ये टर्म क्या हो गया गायब, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक, तो आपके बोर्ड एग्जाम में एक मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा इक्वेशन दिया रहता है और आपसे पूछा जाता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपको सबसे पहले उसका देखना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट जीरो नहीं होना चाहिए, दूसरी बात जो वेरिएबल है उसका पावर क्या होना चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, अगर कहीं निगेटिव इंटीजर दिख रहा है तो उसको आप क्या लगा दोगे कि वो पॉलिनोमियल्स नहीं है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। हमने आपको बताया कि पॉलिनोमियल्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिफरेंस क्या होता है। तो फ्रेंड्स देखिए सेकंड टाइप का क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है। ठीक, फर्स्ट टाइप तो हमने डिस्कस कर लिया, सेकंड टाइप में इन्होंने क्या देता है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द गिवन वैल्यू और सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन आर नॉट, यानी ये जो वैल्यू दी हुई है ये दो वैल्यू जो दे रही है सब में दो दो, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं। देखो अगर कॉलेज ये आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर ये सॉल्यूशन होगा तो आप इसकी वैल्यू अगर इसमें रखोगे x इक्वल टू टू या x इक्वल टू माइनस वन, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी जीरो, वैसे इसकी वैल्यू ये रखोगे तो ये कितना देगा जीरो, अगर इसका सॉल्यूशन है तो। इसको सॉल्व करते हैं फिर हम देखते हैं कैसे होगा। ठीक, इसने x की वैल्यू कितनी रखनी है दो रखनी है, तो f ऑफ x दिया है आपके पास x स्क्वायर माइनस का थ्री एक्स प्लस टू इक्वल टू का जीरो। ठीक, आप रखते हैं x पहले दो रखकर देखते हैं, f ऑफ टू रखकर देखते हैं, देखते हैं कितना होता है। यहाँ पे x के जगह पे 2 रखिए, माइनस का 3 इंटू टू रखिए प्लस 2 इक्वल टू जीरो, यहाँ पे कितना होगा 2 2 जब 4 माइनस का 6 प्लस का 2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 6 माइनस 6 इक्वल टू जीरो, यानी दो इसका जीरोज है। अब माइनस 1 को भी चेक करते हैं, अगर f ऑफ माइनस 1 रखते हैं इसमें तो आता है कि नहीं, तो यहाँ पे रखिए माइनस 1 का स्क्वायर माइनस का 3 इंटू का माइनस 1 प्लस का 2, तो कितना होगा ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये आपका प्लस का 3 हो जाएगा और ये आपका प्लस का 2 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये आपका कितना दे रहा है, यहाँ पे ये 1 ये प्लस का 3 और ये प्लस का 2, तो आपका ये हो जा रहा है 6, तो ये वाला जो वैल्यू है ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर जब तक ये दोनों वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेंगी तब तक ये इसका आंसर नहीं होगा। ठीक ठीक ना, तो इसका जो ये होगा ये इनके क्या है जीरोज नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने। ठीक, तो ये आपका जो है एक वाला जो है ये आपका सेटिस्फाई कर रहा है, ये इसका सॉल्यूशन है और ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक, ऐसे हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में इन्होंने जो दिया है आप देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू वन पे चेक करना है कि ये इसके जीरोज है नहीं, नहीं है। तो सबसे पहले आप इक्वेशन लिखते हैं एक्स के टर्म में, तो एफ ऑफ एक्स, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर वाई के टर्म में रखते थे यहाँ पे क्या लिखते हैं एफ ऑफ वाई, मैंने एफ और ब्रैकेट में जैसे वाई लिख देते प्लस का एक्स प्लस का वन। ठीक ना, अगर आप एक्स के जगह पे क्या रखना है जीरो, एफ ऑफ जीरो अगर यहाँ रखते हो, देखिए फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पे हम जीरो रखते हैं तो जीरो का स्क्वायर प्लस एक्स के जगह पे जीरो रखेंगे प्लस वन, तो मान लीजिए ये जीरो प्लस जीरो प्लस वन, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई वन, तो जीरो तो इसका सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। उसके बाद हम वन रखकर देख रहे हैं, यहाँ पे f ऑफ अब क्या रखिए वन रखिए इसमें, अगर यहाँ पे वन रख रहे हैं तो x का स्क्वायर यानी वन का स्क्वायर प्लस x के जगह पे वन प्लस वन, कितना आ गया वन प्लस वन प्लस वन, कितना आ गया ऐड करने पे तीन, यानी ये भी जीरो नहीं दे रहा है, ये दोनों वैल्यू इसके जीरो नहीं है, इसके सॉल्यूशन नहीं है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। ठीक, तो अगला क्वेश्चन में भी देखते हैं इन्होंने क्या दिया है, दिया है पहले तो जो इक्वेशन दी है एफ ऑफ एक्स के रूप में दी है, एक्स का फंक्शन है एक्स माइनस थ्री रूट थ्री, थ्री रूट थ्री एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, तो जीरो कितने पे आ रहा है एक्स इक्वल टू रखना है, यानी एफ कितना रखना है पहले बार रूट थ्री रखकर देखते हैं, यहाँ पे रूट थ्री का अगर स्क्वायर करते हैं तो रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे तो ये थ्री हो जाएगा माइनस का थ्री, यहाँ पे रूट थ्री और फिर यहाँ पे रखेंगे रूट थ्री, तो रूट थ्री में रूट थ्री से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा थ्री प्लस का सिक्स, इसका करेंगे तो ये आपका हो जाएगा थ्री माइनस नाइन प्लस सिक्स, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा नाइन, इसमें माइनस नाइन, ये आपका जीरो दे रहा है।
ठीक है, ये वाला जो पहली वैल्यू है ये तो आपका देख रहे हैं कि ये जीरो कर रहा है, तो ये तो इसका रूट्स हो गया, सॉल्यूशन हो गया। अब हम देखते हैं माइनस का टू रूट थ्री, एक्स इक्वल टू माइनस का टू रूट थ्री रखते हो यहाँ पे, यहाँ पर रखिए माइनस का टू रूट थ्री का होल स्क्वायर माइनस का थ्री रूट थ्री, इसमें अगर मल्टीप्लाई करते हैं माइनस का टू रूट थ्री प्लस का सिक्स, ये तो आ जाए टू टू जा फोर, फोर में थ्री से करोगे ट्वेल्व, माइनस का माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो आपका हो जाएगा थ्री टू जा सिक्स, थ्री जा एटीन प्लस का सिक्स, यानी ये भी जीरो नहीं कर रहा है, ये इसका जीरो नहीं होगा, ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे इन्होंने टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स प्लस नाइन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री का बताना है, एक्स इक्वल टू थ्री और एक्स इक्वल टू टू इसके सॉल्यूशन है या नहीं है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स इसको इधर लेकर आओगे, पहले क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ लाओ, माइनस एक्स एक्स को एक्स के साथ लाओ, प्लस नाइन ये कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ लाओ इक्वल टू जीरो, टू एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर एक्स माइनस पांच एक्स, नौ में से तीन जाएगा बचेगा छ इक्वल टू जीरो। आप रख दीजिए एक्स का मान तीन और एक्स का मान दो, पहले हम रखते हैं इसमें एक्स का मान तीन रखते हैं, क्या रखते हैं यहाँ पे, अब x का मान तीन रखिए इस इक्वेशन में, यानी ऐसे कभी भी आपको दिया रहेगा तो पहले इसको सॉल्व कर लेंगे फिर वैल्यू रखेंगे, ठीक ना। तो x का मान यहाँ पे आप क्या रखिए तीन रखिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस का पांच एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, एक्स के जगह पे क्या रखेंगे तीन, तो तीन रखिए, तीन का स्क्वायर माइनस का पांच इंटू तीन प्लस का सिक्स इक्वल टू जीरो, नौ माइनस का पंद्रह प्लस का छह, इन दोनों को ऐड करेंगे तो पंद्रह माइनस पंद्रह इक्वल टू जीरो, तो आपका जो तीन आ रहा है इसका जीरो जा रहा है। दो रखकर देखते हैं, एफ ऑफ टू रखते हैं इसमें, टू का स्क्वायर माइनस का पांच इंटू टू प्लस सिक्स, ये आपका हो जाएगा फोर माइनस दस प्लस सिक्स, इन दोनों को ऐड करेंगे दस माइनस दस, ये आपका हो जाएगा जीरो, यानी ये क्या है दोनों इसके सॉल्यूशन है। तो फ्रेंड्स इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है और बोलता है कि जो पर्टिकुलर आपके पास एक्स की जो वैल्यू दी है वो उसका सॉल्यूशन है, या अब कभी कभी बोलता है जीरो है या नहीं है, तो आप क्या करते हो वो वैल्यू को उसमें पुट करते हो, और क्या करते हो पुट करते हो, और अगर वो जीरो कर देता है तो है, अगर जीरो नहीं करता है तो नहीं है। नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं, अगला टाइप आपके सामने है, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपके सामने तीसरा टाइप अवेलेबल है। इसमें आपसे पूछता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच गिवन वैल्यू इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक, माने इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, अगर ये सॉल्यूशन दिया है तो आपको के की वैल्यू बतानी है। तो अगर ये फ्रेंड्स बताइए, अगर ये इसका सॉल्यूशन है, अगर ये वैल्यू अगर इसमें रखते हो तो जीरो के बराबर आएगी, तो ये वैल्यू ये उठा के इसमें पुट करो, पुट करोगे अपने आप के की वैल्यू आ जाएगी। देखो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सेवन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस तीन इक्वल टू जीरो, आपको के की वैल्यू बतानी है, जबकि एक्स इक्वल टू दो बटे तीन इसका क्या है सॉल्यूशन है। तो आप रख लीजिए एफ दो बटे तीन यहाँ पे रखिए, तो लिखेंगे सेवन अप इंटू दो बटे तीन का होल स्क्वायर, एक्स के जगह पे रखोगे दो बटे तीन प्लस का के इंटू दो बटे तीन माइनस तीन इक्वल टू जीरो। इसके बाद अगर हम रखते हैं सेवन इंटू टू टू जा फोर अपन नाइन प्लस टू के अपन थ्री माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, इसको करते हैं सेवन फोर जा ट्वेंटी एट अपन नाइन प्लस टू के अपन थ्री इक्वल टू, उधर लेकर जाते हैं थ्री को लेकर चले जाए, नहीं इधर ही रखते हैं, इसका एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेंगे तो इसका हो जाएगा नाइन, ये हो जाएगा ट्वेंटी एट प्लस थ्री बढ़ जाएगा तो थ्री थ्री जा नाइन तो थ्री टू जा सिक्स के माइनस का नाइन बढ़ जाएगा ट्वेंटी सेवन इक्वल टू जीरो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वो आपका जीरो हो जाएगा, ट्वेंटी एट में से सेवन माइनस ट्वेंटी सेवन माइनस करेंगे तो वन प्लस सिक्स के, और इसको उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, सिक्स के इक्वल टू माइनस का वन, के इक्वल टू माइनस का के इक्वल टू आ रहा है माइनस का वन बाई सिक्स, यहाँ पे के की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का वन बाई सिक्स, तो ये आपका क्या होगा आंसर होगा। तो आपको क्या करना है सिंपली जो सॉल्यूशन दिया है उसको उठा के पुट कीजिए एक्स के जगह पे और सॉल्व कीजिए, आपका आंसर चला आएगा, ठीक ना। आगे देखते हैं हम दूसरा वाला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन में इन्होंने आपसे बोला है यहाँ पे x इक्वल टू ए था, यहाँ पे x इक्वल टू कितना आया k इक्वल टू माइनस का एक बटे
यहाँ पे आपको x इक्वल टू क्या सॉल्यूशन है, a है, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस का x ब्रेकेट में a प्लस बी प्लस का k इक्वल टू जीरो। यहाँ पे x इक्वल टू क्या पुट करेंगे, a, a पुट कीजिए a स्क्वायर माइनस का a ब्रेकेट में a प्लस बी प्लस का k इक्वल टू जीरो। तो आपका a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर माइनस का ए बी इक्वल प्लस का k इक्वल टू जीरो, ये से ये कट जाएगा, बचेगा k इक्वल टू ए बी। k का मान कितना आएगा, ए बी, यहाँ पे कितना आ जाएगा k इक्वल टू, तो दूसरे का k का मान कितना आएगा, ए बी। ऐसे तीसरे वाले में x की वैल्यू क्या रखनी है, रूट का टू। समझ में आ रहा है आपको, ठीक। अगर आपको ना समझ में आए तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक। तीसरा देख सकते हैं, तीसरा में दिया है के एक्स स्क्वायर प्लस का रूट का एक्स स्क्वायर प्लस का रूट का टू एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो। एक्स की इसका सॉल्यूशन क्या है, रूट टू है। आप रख दीजिए यहाँ पे के रूट टू का होल स्क्वायर प्लस रूट टू इंटू रूट टू माइनस का फोर इक्वल टू जीरो। तो रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, टू के प्लस का रूट टू इंटू रूट टू टू माइनस फोर इक्वल टू जीरो। फ्रेंड्स आप देखिए, अब क्या क्या होगा, टू इसमें से ये माइनस होगा तो माइनस का टू इक्वल टू जीरो, टू के इक्वल टू टू, तो के इक्वल टू कितना होगा, टू बाई टू, यानी कट के कितना आएगा, वन। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, वन। वैसे यहाँ पे क्या करना है, एक्स इक्वल टू माइनस का ए पुट करना है इसमें और आपका के का मान बताना है। देख सकते हैं इसको भी आप, जैसे आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस का थ्री ए एक्स प्लस का के इक्वल टू जीरो। आपको एक्स इक्वल टू क्या रखना है, माइनस का ए, तो आप लिखिए इसमें माइनस का ए का स्क्वायर प्लस थ्री ए इंटू एक्स के जगह पर माइनस ए प्लस के इक्वल टू जीरो। ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा माइनस थ्री ए स्क्वायर प्लस के इक्वल टू जीरो, ये आपका हो जाएगा माइनस का टू ए स्क्वायर प्लस के इक्वल टू जीरो। तो के इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा टू ए स्क्वायर, तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या आ रही है, टू ए स्क्वायर। तो फ्रेंड्स हमने आज तीन टाइप देखे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं क्लास टेंथ में। तो फ्रेंड्स अगर आपको इन तीनों टाइप में अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो, चाहे वो मैथ सेक्शन हो, साइंस सेक्शन हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़िए ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले, हम आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट दे सके। थैंक यू।